आमजनों को जागरूक करने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय लिया है। 32वां सड़क सुरक्षा माह 2021 अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आम जन मानस को यातायात नियमों के प्रति अधिकाधिक जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 18 जनवरी से 17 फरवरी एक माह तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश से इस बार सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इस 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारम्भ बेमेतरा विधायक आशीष छापड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान जिला स्तर पर हर दिन विभिन्न तरह के जागरूकता कार्यक्रमों के साथ वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों, एनसीसी, एनएसएस एवं ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिले में अलग अलग गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। एनएचएसएस सड़क पर विशेष वाहन जांच अभियान का आयोजन किया जाएगा। हर सप्ताह अलग अलग थीम पर जांच अभियान चला जाएगा। हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, नाबालिग द्वारा वाहन चालन, फिटनेस परमिट, प्रदूषण जांच, प्रेशर हॉर्न, मल्टी ट्यून हॉर्न, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आदि विशेष जांच अभियान का आयोजन जिला स्तर पर किया गया है। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियम के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान होर्डिंग्स और बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले के मुख्य स्थानों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता होर्डिंग लगाए जाएंगे। पूरे माह तक लगातार सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर वाहनों पर माइक से प्रचार प्रसार कर आम लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष का थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण से जुड़े सभी कार्यालय, त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगर निकायों, महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं, पेट्रोल पंप डीलरों, परिवहन संघ, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आमजनों इत्यादि की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत दो पहिया वाहनों को निशुल्क हेलमेट प्रदान किया गया है। कार्रवाई हो रही है, लेकिन जहां तक हम लोग पिछले साल के आंकड़े देखें, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं बाइक की हो रही है और उसमें भी जानहानि का सबसे बड़ा कारण है बिना हेलमेट के बाइक चलाना है, जिसके चलते हमारा प्रायोरिटी रहता है कि बिना हेलमेट की गाड़ियों पे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कर पाए। 32वां यातायात सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है, जिसमें एक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को ट्रैफिक के नियम के पालन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है और एक हेलमेट लगा के बाइक रैली निकाली गई है लोगों को संदेश देने के लिए कि हम जब घर से निकले तो हेलमेट लगाएं, हमारी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा हमारे हाथ में। बीसीएन न्यूज के लिए बेमेतरा से विजय देशलहरे की रिपोर्ट।